मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 8 एक्शन वर्ड्स एंड बीइंग वर्ड्स एंड टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर 9 हैड एंड डिड. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेस एंड चैप्टर वेल. सो टुडे आई विल टीच यू हैड एंड डिड. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न्ड that do and does are used when work is being done. Means हमें पता है कि do और does कब use होता है, जबकि काम चलता है या होता है. उसमें काम जब होता है तब क्या use होता है, does और do. Does is used with singular nouns. किसके साथ use होता है, डज हम यूज करते हैं विद सिंगुलर नाउंस. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द नाउंस एंड प्रोनाउंस विद द एक्सेप्शंस ऑफ आई यू. ओके, आई एंड यू मींस आई एंड यू के साथ क्या यूज नहीं होता है, डज. ओके, प्रोनाउन आई एंड यू के साथ डज यूज नहीं होता है. और सिंगुलर नाउंस, सिंगुलर नाउंस लाइक व्हाट आर द नाउंस, एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, पर्संस, दीज ऑल आर नाउंस. तो इन सभी के साथ क्या यूज होता है, डज. और प्रोनाउंस ए सॉरी आई और यू के साथ डज यूज नहीं होता है. आई एंड यू डू एंड डू इज यूज with plural nouns and the pronouns I, you, we and they. Means do किसके साथ use होता है, with I, you, we and they. I, you, we and they and plural nouns. Look here at the blackboard. Does singular noun like boy, girl, thing, animals, okay, boy, girl, thing, animals or one name. लाइक प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन के साथ यूज होता है, ही, शी, इट. डज वी यूज डज विद ही, शी, इट एंड विद ऑल्सो सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन लाइक बॉय, गर्ल, वन थिंग, वन एनिमल्स और एनी वन नेम. ओके, नाउ डू आई हैव ऑल्सो रिटेन हियर टू एग्जाम्पल्स. डू डू आई यू वी दे. ओके, learn and you should understand. So do hum use
करते हैं विद प्लूरल नाउंस एंड विद द प्रोनाउंस आई यू वी दे एंड डस. वी यूज डस विद द प्रोनाउंस ही शी इट एंड ऑल्सो सिंगुलर नाउन विद सिंगुलर नाउन्स. ओके नाउ लुक एट द एग्जाम्पल गिवन हियर स्टूडेंट्स. इट इज एट पेज नंबर 42 एंड योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही डज द स्वीपिंग ऑफ द हॉल. ही डज द स्वीपिंग ऑफ द हॉल मतलब कि उसने जो स्वीपिंग है हॉल की वो करता है. ठीक है उसने कर दिया. दे डू आई स्किट ऑन एट क्रिसमस. वो क्या कर रहे हैं एक स्किट कर रहे हैं कहाँ पर क्रिसमस पे. वो एक स्किट करते हैं कहाँ पर क्रिसमस पर. ओके योर एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स विद डू और डज रीड द सेंटेंसेस अलाउड. आई हैव टोल्ड यू अबाउट डू एंड डज. वेयर will we use do with plural nouns and with pronouns I, you, we, they and where will we use does with the singular nouns and pronouns he, she, it. Okay now look at the exercise. Your first sentence is Rohan dash his homework carelessly. So Rohan is singular noun and with singular noun we'll use does. So you will write here does. Rohan does his homework carelessly. Okay now look at the second sentence. I dash not eat fish. I dash not eat fish. With I we always use do. What will use? We'll use do. I do not eat fish. Now number third, who. Students यहाँ आपको वो दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये डबल एच वर्ड है. ये क्यों है ये आप सिंगलर के तरीके से इसको देखेंगे. हु मीन्स सब्जेक्ट. हु यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर है. हु डज द कुकिंग इन योर हाउस वन यानी कि सिंगलर के सिंगलर पर हम यहाँ इसे देख रहे हैं उनको तो यहाँ आप लिखेंगे डज. हु डज द कुकिंग इन योर हाउस. Now look at number 4. We do yoga every morning. We do yoga every morning because we is pronoun. कौन सा pronoun है ये plural. It means ये plural है इसीलिए इसको हम we के साथ क्या use करेंगे yoga. सॉरी डू ये देखिए इधर डू वी डू योगा एवरी मॉर्निंग. ओके लुक एट नंबर 5 सेंटेंस. डज ही फॉल सिक ऑफन बेटा जब डज या डू हम स्टार्टिंग में ले आते हैं तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. डज ही फॉल सिक ऑफन क्या वो अधिकतर बीमार पड़ता है. यस ही डज हाँ वो पड़ता है. ओके लुक एट नंबर 6 सेंटेंस. समीर एंड नीना लुक एट द ब्लैक बोर्ड. देयर आर टू पर्सन समीर एंड नीना. टू पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन समीर एंड नीना. सो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे. वॉट विल यूज हियर वॉट विल वी यूज हियर वी विल यूज
डू समीर एंड नीना डू देयर प्रोजेक्ट टुगेदर. समीर एंड नीना डू देयर प्रोजेक्ट टुगेदर. He is the carpenter. वो एक कारपेंटर है एंड ही डज द वुडवर्क. क्या करता है कारपेंटर, क्या करते हैं, वुडवर्क करते हैं ना. सो ही डज द वुडवर्क. डू आई नीड न्यू शूज. यस यू डू. यू के साथ क्या यूज करेंगे, डू यू. यस यू डू. नाउ लुक एट नंबर 9 सेंटेंस. शी इज अ वॉलंटियर. शी डज सोशल सर्विस. शी डज सोशल सर्विस. Do they stage play? Yes, they do. Do यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि क्या है? This is the question. Do they stage play? अब हम किसी चीज़ का आंसर करते हैं या तो हम यस बोलते हैं, नो बोलते हैं. हाँ मैं करता हूँ, नहीं मैं नहीं करता हूँ. So yes they do. हाँ तो करते हैं. Okay. So we have completed our exercise A.